कैसे हो सब? तो ये वाला जो लुक है ना, वो आप देख रहे हो ना, मैंने स्काई ब्लू ग्लिटर आई मेकअप किया हुआ है और मेरा जो मेकअप है ना, ये बहुत ही ज़्यादा ग्लोई ड्यूई सा लग रहा है और यहाँ पर कोई भी फिल्टर नहीं है। आप देख सकते हैं मेरी रियल स्किन है, रियल मेकअप है। तो आपको अगर जानना है कि आप इस तरह का मेकअप लुक कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप मैंने इस पूरे वीडियो में बताया है, तो वीडियो को पूरा देखना। ओके, तो विदाउट एनी वेस्ट टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम करेंगे अपनी स्किन को अच्छे से हाइड्रेट। एक अच्छे मेकअप लुक के लिए ना, आपको अपनी स्किन को अच्छे से हाइड्रेशन देना होता है। तो सबसे पहले मैंने टोनर अप्लाई कर लिया। आपके पास टोनर नहीं है तो आप रोज़ वाटर भी ले सकते हो। उसके बाद आपको लेनी है एक सीरम। अगर आपकी बहुत ही ज़्यादा ड्राई वाली स्किन है ना, तो आप सीरम को बिल्कुल भी स्किप मत करना, बिकॉज सीरम ना आपकी स्किन के अंदर तक जाकर आपको हाइड्रेशन देती है। तो यहाँ मैंने लगाई है गुड वाइब्स की रोज़ हिप सीरम। सीरम अप्लाई कर लो अच्छे से और उसके बाद आपको अप्लाई करना है मॉइस्चराइजर। एक बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर ले लो। अगर आपकी स्किन मेरी तरह ड्राई है तो आप क्रीम बेस का मॉइस्चराइजर लो, ताकि आपकी स्किन को ना अच्छे से वो हाइड्रेट कर दे और मेकअप बिल्कुल भी पैची ना लगे। ओके, तो यहाँ पर मैंने गुड वाइब्स का ही पपाया वाला जो आता है ना, पपाया की जो गुड वाइब्स की डे क्रीम है, वो मैंने अप्लाई की है। उसके बाद आपको लगाना है प्राइमर। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो मेकअप है वो काफ़ी समय तक स्टे करे, तो आप एक अच्छा सा प्राइमर लगा लो। मैं यहाँ पर एक ग्लोई वाला प्राइमर लगा रही हूँ, जो आपकी स्किन को ना ग्लो भी देगा। ये है मार्स का टेक ए ग्लो प्राइमर, जो मैंने यहाँ अप्लाई किया है। प्राइमर के बाद जो है, मैं कलर करेक्शन करूँगी अपने स्किन की। आपको कलर करेक्शन करनी बहुत ज़रूरी है, ताकि आपका जो मेकअप है ना वो फ्लॉलेस लगे। तो आपकी स्किन टोन से टू शेड डार्कर वाला जो कंसीलर है वो आपको लेना है, और जहाँ पर आपको रेडनेस है या फिर आपको डार्कनेस है या डार्क शक्ल है, वहाँ पर आपको इस शेड को अप्लाई कर लेना है और अच्छे से ब्लेंड करना है। उसके बाद मैं ले रही हूँ यहाँ पर फाउंडेशन। लैक्मे 925 फाउंडेशन है। आपके पास जो भी फाउंडेशन आप वो ले सकते हैं। मेरा जो इसमें शेड है वो है न्यूट्रल न्यूड। फाउंडेशन को हमेशा अपने बैक ऑफ हैंड पर लेकर डॉट डॉट करके ही अप्लाई करना होता है। आपको एक साथ सारा भर के फाउंडेशन नहीं अप्लाई करना है, इससे भी जो लुक आपकी वो पैची हो जाने का डर रहता है। उसके बाद मैंने इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया फाउंडेशन को। आप देख रहे हैं कितने अच्छे से जो है फाउंडेशन ब्लेंड हो गया है। फाउंडेशन के बाद हम करेंगे कॉन्टोरिंग। कॉन्टोरिंग जो होती है वो फेस को शेप देने के लिए की जाती है। तो यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ आपको चीक बोन्स की कॉन्टोरिंग कैसे करनी है। यहाँ ईयर से स्टार्ट करना है, आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, वो जो आइज़ है ना वहाँ तक आपको लेकर आनी है, जो आइज़ का लास्ट कॉर्नर है ना वहाँ तक आपको लेकर आनी है, उससे आगे तक नहीं लेकर जाना है। और इसी तरह से नोज़ की कॉन्टोरिंग भी कर लेंगे, और मैंने साथ के साथ इनको ब्लेंड भी कर लिया है। चीक बोन्स की कॉन्टोरिंग को और नोज़ की कॉन्टोरिंग को ब्लेंड कर लिया है। इसके बाद मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगी ब्लश। ब्लश जो है वो मैंने अप्लाई किया है, लिपस्टिक है एक्चुअली, ये डेला वोस्टा का लिप क्रियोन है, जिसे मैंने एज ए ब्लश इसे अप्लाई कर लिया है। उसके बाद इसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया। हाँ जी, तो यहाँ पर आप लिपस्टिक को भी एज ए ब्लश लगा सकते हैं और ये बहुत अच्छी भी लगती है। इसके बाद हम करेंगे फेस को हाईलाइट। हाईलाइट से मेरा मतलब है कि कंसीलर अप्लाई करेंगे। जिस जिस एरिया को हमें हाईलाइट शो करना होता है, वहाँ पर हम कंसीलर अप्लाई कर लेंगे, अंडर आई पर और ब्रिज ऑफ द नोज़, फोरहेड पर। यहाँ पर मैंने जो है वो कंसीलर अप्लाई किया है, और ये कंसीलर है स्विस ब्यूटी का कंसीलर, जो काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है। आपको 200 की प्राइस में मिल जाएगा और बहुत ही अच्छी जो है वो कवरेज भी देता है। इसके बाद मैंने यहाँ पर पाउडर से इसे अच्छे से सेट कर लिया है और आईब्रो भी बना लिए ऑफ कैमरा। अब हम करेंगे आई मेकअप। तो आई मेकअप में सबसे पहले मैंने यहाँ पर कंसीलर अप्लाई किया है, ताकि जो भी शेड मैं अप्लाई करूँ वो अच्छे से दिखे। और कंसीलर अप्लाई करने के बाद उसे सेट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि कोई भी क्रीज लाइन ना पड़े आपकी आईज़ के ऊपर। सबसे पहले मैंने इस पैलेट में से, ये वेट एंड वाइल्ड की पैलेट है, और इसमें से मैंने ये कोरल सा शेड लेकर अपनी पूरी आईलिड के ऊपर अप्लाई कर लिया। आप देख रहे हैं मैं किस तरह से अप्लाई कर रही हूँ, आपको इसी तरह से अप्लाई करनी है, ताकि बहुत ही अच्छे से आपका आई लुक दिखे। और इसी शेड को मैंने जो है वो लोअर लैश लाइन पर भी अप्लाई कर लिया। हल्का सा करूँगी, बिकॉज मुझे यहाँ पर डार्क शेड भी अप्लाई करना है। ओके, यहाँ पर मैं ले रही हूँ चॉकलेट ब्राउन सा शेड, जिसे मैं अपने आईज़ के कॉर्नर पर
सिर्फ प्लेस करूंगी और फिर उसे आगे की ओर लेकर जाऊंगी ब्लेंड करते हुए। ओके, आपको क्रीज लाइन के ऊपर तक नहीं जाना है, उसके नीचे नीचे ही ब्लेंड कर लेना है। ये है मार्स की ग्लिटर वाली पैलेट जिसमें मैं ये वाला शेड ले रही हूँ। आपके ड्रेस का जो भी शेड है आप वो ले सकते हैं। मेरे ड्रेस से ये शेड जो है वो मैच हो रहा था तो मैंने यही ले लिया और मैंने अप्लाई कर दिया खाली आईलिड के ऊपर। और यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि अगर ज़्यादा आगे की तरफ लग जाए तो आप स्पूली की हेल्प से उसे रिमूव भी कर सकते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पर मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ, पर्पल का ये मस्कारा अप्लाई किया है मैंने। मेबलिन का काजल अप्लाई कर लिया और लैश भी अप्लाई कर ली हैं ऑफ कैमरा। उसके बाद मैंने यहाँ पर अपने लिप्स को आउटलाइन कर लिया है। आउटलाइन करने के बाद जो लिपस्टिक लगती है ना वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगती है। तो स्विस ब्यूटी का ये लिप लाइनर जो मैंने अप्लाई किया है यहाँ पर, और लिपस्टिक जो है वो मैं अप्लाई करूँगी स्विस ब्यूटी की ही, जिसका जो शेड है ना वो है क्यूट न्यूड, जो बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा न्यूड शेड है। एंड ये काफ़ी अफोर्डेबल भी है, अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ये ले सकते हैं, काफ़ी अच्छा शेड है। तो ये लो, हो गया हमारा लुक कंप्लीट। आई होप आपने आज का ये वीडियो इन्जॉय किया होगा। और नेक्स्ट आप कौन सा लुक देखना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, और ये लुक आपको कैसा लग रहा है, कैसा टर्न आउट हुआ तो आप ये भी मुझे बताना। आप कमेंट क्यों नहीं करते यार, आप कमेंट कर दिया करो ताकि मुझे पता लगे कि आपको मेरे लॉन्ग वीडियो पसंद आ रहे हैं। ओके, तो ये आई लुक कैसा लगा आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो, फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड लुक पसंद आया तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में ना शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलना। ओके, अगर आपको थोड़ा सा भी ये हेल्पफुल लगे तो उनके साथ ज़रूर से शेयर करना। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर मैं बनाऊँ आपको वो भी बताना है। नेक्स्ट आपको इंस्पायर्ड लुक देखना है, किसी सेलिब्रिटी का इंस्पायर्ड लुक देखना है, या फिर फेस्टिव सीजन, वेडिंग मेकअप, ये सब देखना है, तो आप इनमें से मुझे बताना कि आपको किस टॉपिक पर मेकअप देखना है। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर।